बता दिया करो, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मेरा मोबाइल गिरने लगा था आपके चक्करों में, मेरा मोबाइल यहाँ पे गिर जाता तो भाई। अस्सलाम वालेकुम, बेला मसरूफ़ चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, और खैरियत से होंगे भी क्यों नहीं भाई। मैं सारा दिन तो आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहता हूं कि या अल्लाह मेरे जितने भी व्यूवर हैं उनको सेहत दे, अल्लाह उनकी नज़रें ठीक कर ताकि वो ईजी होकर मेरी वीडियो देख सके। लेकिन पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते। चलो जी, ये तो अपना अपना ईमान है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते भी होंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो बनती है उस वक्त ये मगरब का ही टाइम होता है, सूरज देखें हमें बाय बाय करने वाला है, ठीक है, गरूब होने वाला है, और इसी टाइम मुझे टाइम मिला है। यार काम ही कुछ ऐसा, यार क्या बताऊँ आपको कि बाकी पूरा दिन एक तो गर्मी होती है, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, अंदर के बहुत सारे मामलात हमने देखने होते हैं छड़ के। तो अभी थोड़ा सा माहौल बाहर का अच्छा होता है तो बाहर निकलते हैं, कैमरा उठा लेते हैं और व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। भाई यही आजकल के सारे पंगे हैं, क्या करें, इससे निकलने का आ ही नहीं है भाई। चलो फिर आज हम इन पंगों में आपको दिखाते हैं कि हमारे शेड का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने आपको फीडिंग के बारे में बता दिया, मैंने चूज़े की मेडिसिन, उस पानी के क्या सिस्टम है वो सारा कुछ बता दिया। उसके बाद शेड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उनमें से एक नंबर पे जनरेटर, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो आज हम शेड के चूज़े के लिए जो टम्परेचर डाउन करने के लिए हम कूलिंग पैड इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये हैं कूलिंग पैड, आप देख रहे हैं, ओए साइड पे हो टैंकी, टैंकी साइड पे हो, ये वहाँ तक, ये अभी फ्रंट है, इसकी साइडें भी हैं, वहाँ पे अभी ये मैंने तिरपाल लगाई हुई। नहीं नहीं अभी और दिखाते हैं, एक मिनट, पहले थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। तो अगर आपने वाटर कूलर देखा हो जो अक्सर ये पंजाबी लोगों के घरों में होता है, उसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ छोटा सा, उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि उस फैन ने चलना है, बाहर जो साइडों पर वो पैड एरिया बना हुआ उस कूलर का, उससे हवा ठंडी खींच के आगे को लगानी है, ये इसका काम है। ये इधर पैड है और दूसरे कोने पे इसके फ़ैन लगे हुए हैं, वो फ़ैन हवा खींचते हैं, यहाँ से ठंडी पूरे के पूरे शेड को ठंडा कर देते हैं। आप जितना मर्जी टेम्परेचर डाउन कर लो, कर सकते हैं, आजकल तो आप 20 पे भी लेके आ सकते हैं, 15-18 डिग्री पे भी लेके आ सकते हैं। तो आप देखते हैं ये पैड वर्क कैसे करते हैं। पानी का हौज कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये ऊपर इसके हमने ना ऐसे स्लैब पे रखे हुए हैं ताकि कोई बंदा ना गिर जाए, भाई हम ही गिर सकते हैं, यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी हौजरी है और बिल्कुल अंदर से खाली, इसके अंदर ये पानी पानी नज़र आ रहा है जनाब, पानी। हाँ और यार बता दिया करो, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मेरा मोबाइल गिरने लगा था आपके चक्करों में, मेरा मोबाइल यहाँ पे गिर जाता है तो भाई कौन पैसे देता है मुझे नए मोबाइल के, एक ही तो मेरे पास मोबाइल है। ध्यान से देखा करो, ये दो वाटर पंप हैं, ठीक है, और उधर हमने टाइमर लगाया हुआ है इसे ऑपरेट करने के लिए, अपने टाइम पर ये ऑन और ऑफ होता है। जब इसने ऑन होना होता है ये पानी नीचे से खींचती, ठीक है, चेक वाल के ज़रिए ये मोटर पानी खींचती है और यहाँ से ऊपर सीधा इस पैडों पे गिरा देती है, ठीक है जी। और यहाँ तक तो बात आपको क्लियर समझ आ गई ना? बस उसके बाद ये जितने भी आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये सारे इन्हीं के करतूत हैं, कुछ करतूत इसके हैं, बाकी करतूत उसके हैं, ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ आ गई ना आपको। तो चलते हैं हम शेड के अंदर, देखते हैं कि अंदर ये क्या सीन क्रिएट करते हैं। फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया है, अब एक साइड पर हमने ये पॉलीथीन लगाया हुआ है तो वो भी दिखा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मज़े करो हमारे साथ। साइड वाला हिस्सा है, अभी मैंने एक हिस्सा दिखाया, अभी इतना ही पैड दूसरी साइड पर ही है, पर ये देख लो, बस एस्टिमेट लगा लेना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ही वो होगा,
फ्रंट पे और दो साइड पे। अभी मैं डीपी रूम में जा रहा हूँ, वहाँ पे जो पैडो का टाइम थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि अब जो मगरब हो गई है और ये ठंड शुरू हो गई है, गर्मी ख़त्म, आज के दिन की तो गर्मी ख़त्म है, तो अभी पैडो का ऑफ टाइम है बढ़ाऊँगा और ऑन टाइम कम करूँगा। अभी महसूस हो रही गर्मी है। शेड के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे, और वहाँ से बताते हैं कि कूलिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है और उसका आगे क्या नतीजा है। ठीक है जी, चलो जी, यही दरवाज़ा है ना। अपने फ़ैन देखे, वो फ़ैन बिल्कुल इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो आपके घर में पड़ा हुआ वाटर कूलर काम कर रहा है। हाँ जी, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि जनाब हमारे ब्रायलर हजूर कहाँ तक पहुँच गए हैं, किस एवरेज वेट में हैं। तो आज थोड़ी सी शेड के अंदर जाते जाते एक जगह और दिखा लेते हैं और कल इंशाल्लाह हम इसको खाने वाले हैं। तो मेरा आपसे पहले भी वादा था कि जिस दिन हम पहली बार इसको उठा के खाएँगे तब की आपको वीडियो देंगे इंशाल्लाह। तो कल आप वेट करिएगा, कल आपके पास ब्रायलर की वीडियो आने वाली है। तो क्या लगता है आपको, हमने जो कल डिसाइड किया इसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान करेंगे, कर दें पक्का? ठीक है, मैंने बाहर से आपको दो पैर दिखाए हैं, एक फ्रंट का और एक साइड वाला, और तीसरा आपको नहीं दिखाया। तीसरा कौन सा वाला? वो सामने नज़र आ रहा है वो नज़र, जी जी वो तीसरा है। ये देखो, ये हो गया फ्रंट, एक साइड ये है, ये सारा ये साइड है पैड, और फ्रंट के बाद एक वो साइड है। समझ में आ गई बात सारी? यह वीडियो होल्ड करके दिखाऊं। आपको यकीन हो गया, आपने अभी अपनी आंखों से देख लिए कि पैड तीन साइड पे हैं, एक फ्रंट और दो तरफैन साइड। ये देखो, ये आपने बाहर से देखा होगा कि ये खुश्क जो लकीरें नज़र आ रही हैं, ये बाहर बहुत ज़्यादा थी, अंदर कम है। बस वो कुछ पैडो का टाइम ही हम इस तरह सेटल किया हुआ था कि अंदर से पैड गिले ही होने चाहिए। ये पैड गिले हैं, ये ऊपर ये पानी की, ये पानी ऊपर नज़र आ रहा है। ये देखो, यहाँ पर पानी नहीं आया और ये वाजे के वाजे सारी खुश्क लाइन है, ये पानी नज़र आ रहा है, ये गिले हैं। आप पात लगा के देख लो, और ये देख लो, ये नज़र आ रहे हैं ना, ये देखो ये, और ये खुशक है। ठीक है, पैड अंदर से भी देख लिए, बाहर से भी देख लिए। अब मैं आपको मुख्तसर एक दो बातों में बताता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करते हैं। जैसे ही इन पैडों के ऊपर वो जो नज़र आ रहे हैं, इन पैडों के ऊपर पानी गिरता है मोटर का, और उधर से वो फ़ैन चलते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, वो दूसरे कोने से, तो वो इधर से हवा बाहर से पैड खींच के, वो बाहर पैड से बाहर सारी गर्म हवा है, और आगे वो पानी वाले हिस्से से ठंडी हवा से टकरा के यहाँ से ठंडी जा रही है। अब जिस एरिए पे मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल ठंडा है, ज़बरदस्त माहौल है, और बाहर मैंने आपको टेम्परेचर शो करवाया था वो था 27.8, यही था ना। चलो अभी अंदर का भी देखते हैं कि अंदर जो दूसरा थर्मोस्टेट है उस पर क्या टेम्परेचर शो हो रहा है। हाँ जी, अभी देख रहे हैं, ये शाम के 6:28 हो गए हैं, ऊपर आपको PM नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 27.6 यहाँ का टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी हमारी 62, और आप देख लीजिए बिल्कुल ये पैड एरिया है, ये सारा पैड एरिया अंदर का, और यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है, 27.6। पैडों के हवाले से जितनी मालूमात मैं इजी आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, और आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, अभी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले मैं हर बार की तरह अब भी कहता हूँ कि यार अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
और अगर आप ऑलरेडी पहले ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो यार आप लाइक करते हो तो भाई जान इसको कमेंट भी कर दो, इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।